इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता की, कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 से। तो जो तोड़ो कविता है ये उस आपके पाठ में दूसरी कविता है, इससे पहले वसंत आया कविता आपने पढ़ ली होगी। तो जो वसंत आया कविता है उसमें कवि बताते हैं कि वसंत के आगमन की जो सूचना है लोगों को कैलेंडर से पता चलता है या अपने ऑफिस में छुट्टी होने से पता चलता है, लोगों को पता ही नहीं चलता आमतौर पर कि हाँ वसंत ऋतु आ चुकी है। दूसरी कविता उनकी तोड़ो है, उस तोड़ो कविता में उन्होंने एक अजीब सा प्रहार किया है। वो कहते हैं तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। आप जब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपके अंदर एक नया संचार होने लगेगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या तोड़ना चाहते हैं और क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो जो तोड़ो कविता है वो उद्बोधन परक कविता है। उद्बोधन करने का मतलब, उद्बोधन के कहने का मतलब है कि वो लोगों को एक आह्वान करती है, लोगों को कुछ करने के लिए जागरूक करती है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि तैयार करने के लिए चट्टाने ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। सृजन हेतु, सृजन का मतलब है कुछ नई चीजें बनाने हेतु चट्टाने ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ने के लिए तैयार करने का आह्वान करता है। प्रती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वो प्रती को खेत में बदलना, यानी कि जो प्रती भूमि है जहां कुछ पैदा नहीं होता है, जहां मिट्टी खराब है, वहां पर वो सृजन करना चाहते हैं। तो यह सृजन, सृजन का मतलब निर्माण, नया निर्माण करना चाहते हैं। यहां कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। आपने एक कवि नलिन हुए हैं उनकी जब रचनाएं आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए। वो सब कुछ विनाश करने की बात करते हैं कि इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब हैं और दोबारा से रचना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कवि हैं वो कहते हैं कि विध्वंस नहीं करना, हमें उस जो चीज़ खराब है उसको हटा करके उसकी जगह अच्छी चीज़ का निर्माण करना है। तो यहाँ कविता का जो ऊपरी ढांचा है वो सरल प्रतीत होता है परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है, नया मोड़ दिया है, नया तरीका है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव के मन में भी है, हमारा मन भी तो बंजर है। यहाँ हम किसी के प्रति कुछ दया भाव प्रेम भाव नहीं रखते हैं। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है। मन में जो ऊब आती है, हम जो ऊब जाते हैं थोड़ी देर किसी के पास बैठ लिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं तो वह एक दिन में ही ऊब जाते हैं और फिर मन करता है कि बस अपने घर चले। और एक खीज भी होती है कि हम दूसरों से परेशान रहते हैं, जब भी कोई दूसरा काम करते हैं किसी को अलग तरह का काम करते हुए देखते हैं तो हम उससे चिढ़ जाते हैं और हम खुद कुछ कर नहीं पाते इसलिए मन में खीज भी उत्पन्न होती है। तो कवि उस खीज को और ऊब को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। यहाँ उर्वर का मतलब है कि वो उस मन में ऐसे भाव पैदा करना चाहता है जो सबसे हिलमिल कर रह सकें, जो सबके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कर सकें। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है, कवि सृजन का आकांक्षी है इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है, इससे कविता के अर्थ का विस्तार होता है। अब कविता की पंक्तियों पर आते हैं कि कविता क्या कहती है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है आधे आधे गाने। अब देखो यहां आधे आधे गाने पर उन्होंने एक जो पैरा है उसको खत्म कर दिया है। तो कवि कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कवि कह रहे हैं कि तोड़ दो। क्या तोड़ दो? ये पत्थर और ये चट्टाने और ये झूठे बंधन सब कुछ तोड़ दो। ऐसी कठोर चीज जो एक जगह जम जाती है, चट्टान और पत्थर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, जिनमें आप एक सुई भी नहीं चुभो सकते,
तो बड़े बड़े भाव कैसे जाएंगे, किसी का सुख है, किसी का दुख है, सहानुभूति है, वो कैसे उनमें प्रवेश करेगी। तो कहते हैं कि इन चट्टानों को और पत्थरों को तोड़ दो, अर्थात ऐसे जो कठोर हृदय हैं उनको तोड़ दो। आदमी को नहीं मारना, कठोर हृदय को तोड़ना है, अर्थात उस कठोरता को छोड़ना है। ये झूठे बंधन टूटे और जो झूठे बंधन हैं उनको भी तोड़ दो। जिन बंधनों को आप मानते नहीं हैं उनमें आप क्यों लिपटे रहना चाहते हैं। तो धरती को हम जाने, कहते हैं कि हम धरती को तो तभी जानेंगे, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, कि मिट्टी में एक ऐसा रस होता है जिसमें घास उगाती है, दूब का मतलब घास। और देखो कवि ने मन की जो तुलना है उसको कैसे मतलब एक मिट्टी का रूपक दिया है, कि जैसे मिट्टी में एक रस होता है और उससे रस से घास उगती है। तो कहते हैं कि अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है, कि अपने जो मन के मैदान है उसमें वो घास क्यों नहीं उगती जैसी मिट्टी में उगती है। हरी हरी घास जैसी हमें खुशहाली देती है, नया संचार देती है, वैसे हमारे मन का जो मैदान है उसमें नए नए भाव और दूसरों के प्रति प्रेम क्यों नहीं उगता, उसमें खीज क्यों भरी है। आधे आधे गाने लोगों के, आधे आधे गाने हैं, पता नहीं है वो जाने कहाँ पूरे होंगे। यानि कि वो मन के भावों को व्यक्त तो करना चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो कुछ संकोच में आ जाते हैं, कुछ झिझक जाते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। अब कभी कहते हैं इसके माध्यम से कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो। ऊसर बंजर, ऊसर माने भी अनुपजाऊ होता है, बंजर माने वो जहाँ जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है। वो कहते हैं कि इस अनुपजाऊ इस बंजर भूमि को तोड़ दो, चरती पड़ती तोड़ो, कि जहाँ चारागाह है, जहाँ पड़ती भूमि है, जहाँ आप कुछ नहीं बना सकते ना कुछ उगा सकते हैं, उसको भी तोड़ दो। और उसको कैसा बना लो, सब खेत बनाकर छोड़ो, ऐसा खेत बना दो जिसमें फसलें ले लाएं, फसलें हो गए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। अब कभी कहते हैं कि मिट्टी में तो रस मिलेगा ही जब वो बीज को पोसेगी, यदि उसको बीज को उगाना है तो मिट्टी को रस अपने आप में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें बीज नहीं उगेगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, वो कहना चाह रहे हैं कि बंजरपन जो अनुपजाऊ है या जो मन की खीज है वो तभी खत्म होगी जब हम अपने अंदर से उन भावों को निकालेंगे। अपने अंदर जब तक हम प्रेम पैदा नहीं करेंगे तब तक वो उबाऊपन, वो खीज, दूसरों के प्रति कठोर भावना वो नहीं खत्म हो सकती। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। अब कभी कहते हैं कि चलो मिट्टी में तो घास उग भी आएगी, लेकिन अपने मन के अंदर की जो खींच है उसको हम कैसे बाहर निकालें, उसको हम क्या करें, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। अब कभी कह देते हैं कि इसको गोड़ दो, किसको गोड़ दो, इस ऊसर बंजर जमीन को गोड़ दो, इस चरती पड़ती धरती को गोड़ दो, और अपने मन का जो मैदान है जहाँ खीज भरी हुई है उसको भी गोड़ दो, और गोड़ करके उसमें कैसे बीज बो दो, उसमें प्रेम के बीज बो दो। तो यहाँ कवि उन सारी ऊब और खीज और दो मनमुटाव है उसको तोड़ करके, उसको गोड़ करके एक नया सृजन करना चाहता है, एक नए भावों का संचार करना चाहता है। तो यहाँ कवि, देखो आपने देखा होगा तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एक शब्द कई बार आया है। जब एक शब्द कई बार आता है लेकिन उसका अर्थ एक ही रहता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यहां भी शब्द गोड़ो कई बार आया है तो यहां भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन गोड़ो 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 जब इसको मन के संदर्भ में लेंगे तो मन में से उबाऊपन को निकालने के लिए है, और जब खेत के संबंध में लेंगे तो उस खेत को गोड़ने के लिए है। तो यहाँ पर इसमें श्लेष अलंकार है, ये दो अर्थ देता है, एक मन के अर्थ में और एक खेत के अर्थ में, तो यह श्लेष अलंकार होगा। अब इसमें दूसरे अलंकार भी हैं, जैसे दूब है, ऊब है, तुकांत है, बिल्कुल तुक बन रही है अंत में, तो यह अनुप्रास अलंकार है। मन के मैदानों,
मन मां वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। अब चर्चा करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों की। इसमें 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? देखिए, वैसे तो पत्थर और जो चट्टान है वो कठोरता के प्रतीक होते हैं, क्योंकि दोनों ही कठोर होते हैं, लेकिन यहां पर वो किसी अन्य अर्थ में है। उत्तर लिखेंगे, पत्थर और चट्टान शब्द उन बाधाओं के प्रतीक हैं जो सृजन के मार्ग में आती हैं। सृजन का मतलब होता है निर्माण। अब चाहे वो कविता का निर्माण हो, कविता का सृजन करना हो, और चाहे वो किसी नई विचारधारा या नई परंपराओं का निर्माण करना हो, चाहे खेती की जमीन हो जिसमें कंकण पत्थरों के कारण उपज नहीं होती, चाहे वे साहित्यकार हो जो रूढ़ियों के बंधन के कारण नव साहित्य सृजन नहीं कर पाते, इन बाधाओं को तोड़कर ही नव सृजन किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं। पत्थर और चट्टान शब्द बाधाओं के प्रतीक हैं जो सृजन के मार्ग में आती हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई देती हैं? अब देखिए, धरती और मन, यहां कवि ने कविता में दोनों को ही एक साथ रखने का प्रयास किया है कि जैसे धरती होती है वैसे मन भी होता है। धरती में से फसल उगती है, उसी तरह से मन में भाव उगते हैं। तो दोनों में क्या समानताएं दिखाई देती हैं? कवि को धरती और मन में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं। जिस प्रकार धरती के उपजाऊ बनने में कंकड़, पत्थर, चट्टान आदि बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार रूढ़ी, रीति रिवाज आदि मन की उर्वरता अर्थात व्यवहार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कि धरती में कंकड़, पत्थर, चट्टान आदि होते हैं तो वो फसल को नहीं उगने देते, क्योंकि ढंग से जुताई नहीं होती और ना ही उनमें ढंग से बीज उग पाते हैं। उसी प्रकार से कंकड़ पत्थरों के समान ही रूढ़ी रीति रिवाज भी होते हैं। ऐसी परंपराएं होती हैं जो समाज को पीछे की तरफ धकेलती हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो ये मन की उर्वरता को या व्यवहार को खत्म कर देती हैं और व्यवहार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार भूमि को उपजाऊ करने के लिए बांझपन और अनुर्वरता को खत्म करना जरूरी है, उसी प्रकार मन की ऊब और खींच को भी खत्म करना जरूरी होता है। मिट्टी में रस के लिए उसे जोतना और सिंचाई जरूरी होती है, वैसे ही मन को भी स्वस्थ चिंतन और नवीन विचारों को अपनाने पर मंथन करना पड़ता है। यदि जब तक आप खेत को जोतोगे नहीं तब तक उसमें फसल बीज उगने की संभावना कम होती है, क्योंकि मिट्टी को जोतने से उसमें रस भर जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें समाहित हो जाती हैं, सूर्य का प्रकाश उसमें भर जाता है, पानी उसमें भर जाता है, जिससे कि बीज को ठीक तरह से पोषण मिलता है। ऐसे ही हमारा मन होता है। मन में जब तक स्वस्थ चिंतन और नवीन विचार नहीं होंगे, बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक वो मन या जो कवि हृदय है वो नई रचना नहीं कर सकता, वो नए तरह का साहित्य नहीं लिख सकता। तो ये दोनों में समानताएं थी, धरती और मन दोनों लगभग एक जैसे होते हैं कवि के अनुसार। प्रश्न नंबर 3 है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये 3 पंक्तियां हैं कविता की व्याख्या करते समय भी हमने बताया था। अब ये प्रश्न है तो प्रश्न में हमें थोड़ा सा इसको उत्तर की तरह लिखना है। तो भाव सौंदर्य क्या होता है? जब हम काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं, एक भाव सौंदर्य और एक कला सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। कला सौंदर्य को शिल्प सौंदर्य भी बोलते हैं। तो यहां पर केवल भाव सौंदर्य पूछा, इसलिए हम यहां केवल भाव सौंदर्य ही लिखेंगे। भाव सौंदर्य का मतलब होता है उस काव्यांश का, उन पंक्तियों का भाव। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह मिट्टी को जोतने से उसमें रस आ जाता है और वह बीज को अंकुरित करने में सहायक हो जाती है, उसी प्रकार मन की खीज और ऊब को भी नष्ट कर देने से मन में श्रेष्ठ सृजन करने के विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इसलिए मिट्टी को गोड़ो और गोड़ो तथा मन में चिंतन और मनन के माध्यम से मन को निर्मल करते रहो। कवि यहां यही कहना चाहता है,
कि जिस तरह से मिट्टी को हम जोत करके उसे उर्वर बनाते हैं, ठीक उसी तरह से अपने मन को भी गोड़ लो, मन की भी जुताई करो, और उसमें जो खीज है, जो ऊब है, उसको बाहर निकाल दो और नया रस आने दो, नए विचार आने दो। प्रश्न नंबर 4, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से हुआ है, विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया है, यानी कि कवि ने तीन तीन बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, इन पर सर्वाधिक जोर दिया है। तो देखिए, जब हम किसी एक शब्द को बार बार कहते हैं, इसका मतलब है कि हम उस शब्द पर जोर देना चाहते हैं, उस काम को ज़्यादा कर देना चाहते हैं। तो कविता के प्रारंभ में जो तोड़ो तोड़ो हुआ है, जो प्रयोग हुआ है, उसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वो पहले वह चाहता है कि नव निर्माण करने से पूर्व जो निरर्थक व्यर्थ और बाधक तत्व हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। प्रत्येक नव निर्माण से पूर्व पुराने को तोड़ना ही पड़ता है, इसलिए कवि ने कविता के प्रारंभ में तोड़ो 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 शब्दों का प्रयोग किया है। और जब तोड़ने का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद भूमि को गोड़ा जाता है जिससे कि उसमें नए बीज बोए जा सकें। कवि पुराने निर्माण के स्थान पर नए बीज बोने के लिए मन रूपी भूमि को चिंतन और मनन के माध्यम से मजबूत करना चाहता है, जिससे उसमें से खीज और ऊब खत्म हो सके और नव सृजन हो सके। तो आप प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे कि यहां तोड़ो और गोड़ो इन शब्दों का बार बार प्रयोग क्यों किया है, क्यों इन पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 5, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जानें। यहां पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहां इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से झूठे बंधनों और धरती को जानने से, यानी झूठे बंधनों को तोड़ने से और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि धरती कंकण पत्थर चट्टानों आदि से ढकी रहती है, तब तक उसकी उपजाऊ शक्ति को हम नहीं पहचान पाते हैं। इन सबके टूटने से ही परती भूमि खेती की भूमि में बदल जाती है, धरती के असली रूप उपजाऊपन को हम पहचान पाएंगे। मनुष्य के मन को बांधे हुए ये झूठे बंधन, रूढ़ी रीति रिवाज जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन बंधनों को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक वह स्वतंत्र विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा और ना ही वह नव सृजन के लिए तैयार हो पाएगा। तो कवि यह कहना चाहता है कि हम संसार के उन झूठे बंधनों को तोड़ दें जो हमें फालतू में बांधे रखते हैं, जिनकी समाज में आज प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन हम उन्हीं परंपराओं, रूढ़ी रीति रिवाजों पर आज चिपके हुए हैं और समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो यह धरती से तुलना की है कि जिस तरह से धरती में कुछ नया उगाने के लिए उसे नई तरह से तैयार करना पड़ता है, उसी तरह से हमें अपने सृजन को, अपनी जो प्रतिभा है उसको भी हमें उसी तरह से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 6, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आधे आधे गाने का मतलब तो यही होता है कि अधूरा गाना कोई क्यों करता है, कि जब उसको पूरा गाना नहीं आता हो या फिर उसकी इच्छा नहीं कर रही हो, पूरा गाने की इच्छा नहीं कर रही हो, दो कारण हो सकते हैं। तो आधे आधे गाने के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि कवि का मन जब ऊब और खीज से ग्रस्त होता है तो वह सार्थक साहित्य की रचना नहीं कर पाता, उसके गीत आधे अधूरे निष्प्राण से प्रतीत होते हैं। इस खीज और ऊब को मिटाकर वह नव सृजन कर सकता है, उसके मन को आनंद और उल्लास, स्वस्थ व स्वतंत्र चिंतन की जरूरत है। तो क्या कहना चाहता है कवि? कवि कहना चाहता है कि आधे आधे गाने व्यक्ति या मनुष्य या कवि वो इसलिए रखता है, इसलिए ही करता है क्योंकि वो पूरा गाने की या तो उसको स्वतंत्रता नहीं होती या फिर उसको पूरे गाने की इच्छा है नहीं। और ऐसा जो मन मुटाव है कि वो पूरा बोलना ही नहीं चाहता, समाज को सब कुछ, यानी कि जो अपना पूर्ण है वो देना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कि उसके सामने कुछ बाधाएं हैं जो उसको पूर्ण देने से या पूरा देने से रोकती हैं। तो उन जब तक हम उन बाधाओं को खत्म नहीं करेंगे तब तक पूरा गाना नहीं गाया जाएगा, अर्थात हम समाज को अपना संपूर्ण नहीं दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, कविता भी समझ में आई होगी। आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख दें, उनका यथासंभव जवाब दिया जाएगा। और इस वसंत आया और तोड़ो दोनों ही कविताओं के MCQ भी
यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो यानी इस कक्षा के दूसरे वीडियो देखने के लिए भी आप इस YouTube चैनल में सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।